नया पाने के लिए पुराना छोड़ो। विंध्याचल पर्वत पर दो चींटियां रहती थी, एक उत्तरी चोटी पर दूसरी दक्षिणी चोटी पर। एक का घर शक्कर की खान में था, दूसरी नमक की खान पर रहती थी। एक दिन शक्कर की खान वाली चींटी ने दूसरी चींटी को निमंत्रण दिया, बहन कहाँ इस नमक के खान पर पड़ी हो, मेरे यहाँ चले आओ, वहाँ शक्कर ही शक्कर है, खाकर मुँह मीठा करो और अपना जीवन सफल करो। दूसरी चींटी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बड़े सवेरे नहा धोकर पहली चींटी के घर जा पहुंची। चींटी ने घूम घूम कर शक्कर की खान दिखाई और कहा, बहन चाहे जितनी शक्कर खाओ, यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। चींटी दिन भर इधर उधर भागती फिरी और शाम को पहली चींटी से यह कहकर चली गई, बहन तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया, यदि शक्कर तुम्हारे पास ना थी तो मुझे निमंत्रण ही क्यों दिया था। पास ही एक कुटिया में संत और शिष्य निवास करते थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव शक्कर के पहाड़ में घूमने पर भी चींटी को शक्कर का पता क्यों नहीं चला। संत बोले, बात यह थी कि वत्स की चींटी ने अपने मुंह में नमक का एक टुकड़ा दबाए हुए था, इसी से उसे मिठास का आभास नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार जो लोग अपने पुराने संस्कार नहीं बदलते, आत्मशोधन द्वारा अपनी बुराइयां नहीं हटाते, परमात्मा के समीप होते हुए भी उसकी कृपा से वंचित रह जाते हैं, नया पाने के लिए पुराने को हटाने का नियम अनिवार्य और अटल है। धन्यवाद।